और हमारे दीदी का एक नियम है, जाओ छोड़ो हो या एनिवर्सरी हो, पहले छोड़ो ना, तो पकड़ा छोड़ो फिर ये हम लोग जीजा जी से और दीदी से सीखे हैं, तो चलो अच्छा गुण सीखे, कुछ तो जिंदगी में अच्छा काम किए हैं। वाह, आजा बेटा मोटा मोटा। अभी हम लोग आ चुके हैं दीदी घर में, और दीदी घर आने के बाद अभी हमको ना मन कर रहा है कि मैं नहा रही हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है, और हम जा रहे हैं बाल धोएंगे, बाल धो के नहाएंगे, कारण तब जाके मेरे को शायद अच्छा लगेगा। और मौसम पूरा बादल बादल के, और दीदी वगैरह गई थी बाहर शिवा जी के साथ, जीजा भी गए थे, तो वो किस लिए गए थे वो मैं आप लोग को बताऊँगी, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, और क्या होगा क्या नहीं, क्या होने वाला है क्या नहीं, वो सब आप लोगों को बताऊँगी, क्या दिखाऊँगी साथ साथ और बताऊँगी भी, तो आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में रहिए। और अभी हम जा रहे हैं, फटाक से नहा लेते हैं, नहाने के बाद आप लोग से मिलते हैं। तो नल में पानी आ चुका था, तो मैं फटाफट जाके नहा ली, और बाल वगैरह सब मतलब भीगा हुआ है, जस्ट निकले, और अभी हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं, ये रहा, तो दूध लेके आए थे जीजा जी, तो अभी हम फटाफट चाय करा दिए सबके लिए, चाय पी के फिर मतलब सबको रेडी तो हो रहा है, रेडी होते तो थोड़ा चाय भी पीना हो जाएगा, क्योंकि बारिश हो रही है ना फ्रेंड, इसलिए गर्मा गर्म चाय का मजा सबको उठाएगा। और यह बर्तन पड़ा है, बट यहाँ नल में पानी नहीं आया, बिल्कुल हल्का हल्का आया, देखिए अभी जस्ट आया पानी, तो ये सब भी हम धो देंगे फटाफट, इधर मेरे चाय जब तक बनता है तब तक मैं इधर बर्तन भी धोलूँगी, और सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं रेडी होने जाऊँगी, तो चलो फटाफट काम कंप्लीट करते थे, मैं इतने भी लेट हो रहा, हम लोग को जाना था 7 बजे, 7:30 हो गया, 8 बज जाएगा, तो चलो रेडी हो जाते, उसके बाद मेरा डिनर वाला लेके जाते हैं। गाइस, तो हम लोग लोकेशन में पहुँच चुके हैं, और लोकेशन में पहुँचने के बाद अभी मेरा लुक आप लोग को दिखाते हैं, मैं कैसे देख रहा हूँ, मैंने साड़ी पहनी है फ्रेंड, आज सबको मेरे से कि तुम साड़ी पहनो साड़ी पहनो, तो मैंने आज साड़ी पहना, और अभी हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं, बस दीदी का आने का वेट कर रहे हैं, दीदी का आने का वेट कर रहे हैं, वो आएगी तो एक साथ सब केक कटिंग करेंगे, क्योंकि देखिए किसी को मतलब ऐसे मतलब छोड़ के हम लोग नहीं काट सकते, क्योंकि हम लोग पूरा फैमिली एक है, पूरा एक साथ ही मिलकर केक काटेंगे, और मैं कैसे कर रही प्लीज़ कमेंट करके बताती है। मैं इसीलिए कह रही थी कि मेरा आज स्पेशल है, क्योंकि मेरा और सिमर जी का आज मतलब 2 साल कंप्लीट हो गया है शादी का, एनिवर्सरी का, तो वही आज हम लोग केक कटिंग करने वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं बाद में ही बताऊं, तो अभी बाकी सब बैठे हुए हैं और फोटोशूट कर रहे हैं, तो मैं अभी यहाँ मिरर के पास आई थी अपने आप को देखने के लिए, तो मैं सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, मैं खुद की तारीफ खुद कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, चलो चलते हैं बाकी सब क्या करें वो भी आपको दिखाते हैं, और केक भी हम लोग ले लिए थे, और लेने के बाद अभी दीदी का वेट कर रहे हैं, जीजा जी हमारे बोल रही दीदी उधर पी हुए हैं, इधर दीदी बैठी है, बाबू बैठा है, हम लोग अभी वेट कर रहे हैं मिस क्वीन का ना, तो अभी हम फोटो शूट करा रहे हैं अपना अपना, तो चलो फोटो खिंचा, हमने फोटो शूट किए हैं, तो हम लोग यूट्यूब पे तो नहीं डाल पाएंगे, फेसबुक पर डालेंगे, इंस्टाग्राम में भी, इंस्टा में भी आएगा, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, इंस्टा आईडी भी और फेसबुक भी दोनों वही सेम नाम है सब जगह, पूजा भुवन और इनका भी रानी, हम उतना नहीं चलाते हैं, हम खाली वीडियो देखते हैं, सिमल की आईडी चलाती है, सिमल लग रहा है, हाँ तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा जाकर, चलो आप लोग बने रहिए, और ये रेस्टोरेंट कैसा लगा कॉमेंट करके बताइए, पैक करके पूरा दिखा देते हैं, तो ये रही हमारी दीदी, कैसा लगा? हाय तानिया, जीजा नहीं है क्या? कहाँ है? क्वालिटी है इसमें आया और मैं देखती हूँ और तो क्या है? हाँ ये तानिया हम लोगों का ऐसे ही था, देखिए ऐसे बोलते हैं। और ऐसे मोबाइल पे आते हैं वो छोटा सा नन्ना मुन्ना जल्दी चला दो फिर हम लोग उसको भी मोबाइल में देखेंगे छोटा सीमा या छोटा रानी ना जरूर हो जाएंगे नहीं लगाएंगे बाबू, हम लोग के लिए
ये हम लोग जीजा जी से और दीदी से सीखे हैं, तो चलो अच्छा गुण सीखे, कुछ तो जिंदगी में अच्छा काम किए हैं। मोटा मोटा और मेरा तानिया कहाँ गया? किसी को नहीं छोड़ी क्यों नहीं आई, कहाँ गई? सर माँ गई, सर माँ नहीं गए, मजा किया हो गया था ना, लोग यही बोलेंगे फोन किए तो क्या हुआ, बोले जुगली पार्क पार्क है अभी जुगली पार्क है, छोड़ी पटाता छोड़ी पटाता। केक कटिंग हो चुका है, दिख रहा ना भाई, यहाँ पे लाइन लाइन से अभी प्लेट लग चुकी है और हम लोग का राइस और चिकन दोनों आ चुका है यहाँ पे, और दीदी सामने बैठी हुई है फ्रेंड, तो मैं अभी सबको राइस सर्व कर रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सर्व करना, खाना निकाल के देना, बांटना। और भैया लोग तो थे सर्व करने वाले, बट हम लोग बोले कि आप लोग छोड़ दीजिए, हम लोग कर लेंगे। और फिर अभी यहाँ पे सबके लाइन लाइन से थाली में राइस में निकाल रही हूँ, और सिमर जी जो है मेरा वीडियो बना दे रहे थे, मेरे को पता भी नहीं था, फिर बाद में लाइट जला तो मुझे पता चला कि वो मेरा ब्लॉग बना रहे थे, मेरा ध्यान जब कैमरा पर पड़ा, तो अभी सबको दे रहे फ्रेंड, क्योंकि मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ तो उसका फ़र्ज मुझे निभाना है हमेशा, और निभाती रहूँगी मैं। तो चलो सब बैठ जाते हैं लाइन लाइन से। यहाँ पे देखिए सिमर जी है, बोल रहे तुम खाओ, यहाँ दीदी बैठ के खा रही है, उधर सिमर जी है, जीजा जी है, और साइड में दीदी और बच्चे लोग हैं। इधर देख सकते हैं बच्चे लोग को एक टेबल में बैठा दिए फ्रेंड, और बड़े लोग एक टेबल में। तो बाबू बोल रहे बहुत ही अच्छा लग रहा है मामी, थानिया बोल रही कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उधर बाकी सब बैठा देख सकते हैं, मम्मी चाचा और दीदी वगैरह सबको। तो सबको सर्व करने के बाद मेरी बारी आ गई फ्रेंड, मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगा था, पेट में चूहा कूद रहा था, तो यहाँ पे अभी हम भी खाना ले लिया और फर्स्ट बाइट खाते हैं। तो ये वेजिटेबल वाला चावल था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड मुझे, और मुझे चिकन चिली बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट है, और उसी के साथ मैं चावल पूरा फिनिश की हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जब भी मतलब दीदी घर में भी आते हैं तो दीदी भी बोलती है कि चिकन चिली तुमको खाना है, तो मैं बोलती हूँ हाँ मुझे बहुत पसंद है, तो चलो पेट भर के खा लेते हैं। तो भाई हम खाना पीना खा लिया,